हटाएंगे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, इंडिया के पास ऑप्शन है, इतने सारे लोगों को उन्होंने खिलाया हुआ है भाई, जब वो हटाएंगे तो सबको लेकर आएंगे फिर वो, क्योंकि सबको मौके देते हुए आ रहे हैं, ए टीम उनके पास है, कभी लक्ष्मण कभी पांड्या कप्तान है। कल मैं क्या सवाल कर रहा था अतुल बसान से कि इतने सारे लोगों को आपने पिछले 1.5 साल में मौका दे दिया, जब जिसका दिल चाहा उसको कैप पहना दी, मगर वो कम से कम अपनी रांझी को देखते हैं, उनके पास 25-50-100 मैचेस खिला बाद में आता है, 10-10 साल लोग इंतजार करके सिस्टम में रहते। इंडियन टीम का सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस की बात नहीं है, अगर हम पूरे टूर्नामेंट को भी ले लें और पूरे टूर्नामेंट को लेकर भी नाराजगी नहीं है। लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2013 में आखिरी आईसीसी ट्रॉफी आपने जीती, जब चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीता था, उसके बाद से क्या हो गया? क्या हम भूल गए हैं जीतना? क्या आईपीएल को जन्म देने वाला देश T20 में भारत ही नहीं हासिल कर सकता है? क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी अभी इमरान खान की आपने खबर दिखाई थी, जहाँ तू जी ले बाबर अपनी जिंदगी, मैं कह रहा हूँ तू टैलेंट है, बर्बाद कर दे पाकिस्तान की टीम को, अपनी मर्जी से चला दे सारी चीजें, ठीक है, भले कह रहा दुनिया तुझे नंबर 1 कहती रहे, मगर सब जानते हैं कि झटके से आप पहुंच गए यहाँ पर, परफॉर्मेंस जीरो, बातें आसमान पे। ये कौन सा? हर्षदीप के साथ आपने देखा क्या हुआ, शामी के साथ क्या हुआ, धोनी के घर पे आग लग चुकी है, रोहित शर्मा के साथ क्या हो रहा है, पुतले जल रहे हैं वहां पर, खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, ठीक है, मीम्स बन रही हैं, सोशल मीडिया आपने खुद बता दिया कि सारी तब्दीलियां हो रही हैं, लेकिन जहां जहां अकाउंटेबिलिटी होगी ना अली, वहां खिलाड़ी को भी डर होगा परफॉर्मेंस का। रोहित शर्मा की जो रोते हुए तस्वीर आई है ना, ये तो छुप जाते हैं, जिम्बाब्वे के बाद अब नजर आए रमेश भाई, तो यहाँ तो क्रेडिट लेने वाले नजर आते हैं, और बल्ला घुमा के हम जितने रन करने वो करेंगे, 3 विकेट गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी बातें हमें सुनाई दी जाती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे तुम्हारी 3 विकेट गई 30 में, अगर 6 ओवर में, तो कोई बात नहीं, कैसी बात हो सकती है। अब बात करते हैं जरा पड़ोसी मुल्क के हवाले से, और पड़ोसी मुल्क में भी बहुत ज्यादा हलचल मची है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका सब वहां पे वाइब्रेंट हुआ हुआ है, वहां के लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, और यहाँ के लोग जो है वो, नाम तो इनका मौसम घी वाला है, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो घी लगा रहे हैं, लेकिन बहरहाल परफॉर्मेंस जो है वो खराब रही है। इंडिया में बहुत हलचल मची हुई है, हार्दिक पांड्या को T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कप्तान बनाने की बात है, शिखर धवन को वनडे में कप्तान बनाया जा रहा है, राहुल द्रविड़ और उनकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनको रेस्ट दे दिया गया, वीवीएस लक्ष्मण को जो है वो कोच बना के भेजा जा रहा है, तो और साथ साथ सुनील गावस्कर ने भी कह दिया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा उनको रिटायरमेंट लेते हुए T20 में नजर आ रहे हैं। और कपिल देव पाजी वो कैसे इस बहस में पीछे रहते, उन्होंने कह दिया कि भारत की टीम भी एक चोकर्स की टीम है, क्योंकि जब जब प्रेशर आता है तो भारत की टीम चोक कर जाती है। जी, इंडिया में इतनी हलचल मची हुई है और यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं है ना। अच्छा, आप समझे नहीं? हाँ, आप ही समझाएंगे भाई, जो कुछ वहां पे होता है ना। अर्शदीप के साथ आपने देखा क्या हुआ, हाँ, शामी के साथ क्या हुआ, धोनी के घर पे आग लग चुकी है, रोहित शर्मा के साथ क्या हो रहा है, पुतले जल रहे हैं वहां पर, खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, ठीक है, मीम्स बन रही हैं, सोशल मीडिया आपने खुद बता दिया कि सारी तब्दीलियां हो रही हैं, लेकिन जहां जहां अकाउंटेबिलिटी होगी ना अली, वहां खिलाड़ी को भी डर होगा परफॉर्मेंस का। रोहित शर्मा की जो रोते हुए तस्वीर आई है ना, ये तो छुप जाते हैं, जिम्बाब्वे के बाद अब नजर आए रमेश भाई, तो यहाँ तो क्रेडिट लेने वाले नजर आते हैं। समझे नहीं आप, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ तो बात समझ में नहीं आती ना आपकी, मुझे खबर जरा बड़ी मिलती है, क्योंकि फैन अगर सर पे बिठाता है ना तो टांगों पे टोपे भी रखता है। वही कह रहा हूँ, मंदिर बनते हैं, भगवान बनाए जाते हैं, वो प्लेयर को अवतार मानते हैं, तो अगर ये करते हैं उनका हक भी तो है ना। बिल्कुल, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, नॉर्मल परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है। अली मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी का, अभी इमरान खान की आपने खबर दिखाई थी, जहाँ तू जी ले बाबर अपनी जिंदगी, मैं कह रहा हूँ तू टैलेंट है, बर्बाद कर दे पाकिस्तान की टीम को, अपनी मर्जी से चला दे सारी चीजें, ठीक है, भले कह रहा दुनिया तुझे नंबर 1 कहती रहे, मगर सब जानते हैं कि झटके से आप पहुंच गए यहाँ पर, परफॉर्मेंस 0, परफॉर्मेंस 0, बातें आसमान पे। ये कौन सा तरीका है? 2 साल आपने कामयाब टीम को रोन डाला, आपने 2 साल में बाबर आजम को सिखाने के लिए। आप सुन लेना मेरी बात यार, अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना यार, मेरी मर्जी है, मेरे पास ताकत है, मैं जिसको जाऊं कप्तान बना दूं, इस तरह चलती है चीजें। ये लोग डरते हैं, जब भी चेंजेस। अभी आपने क्या कहा कपिल